नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना चल रहा है अभी और बहुत नज़दीक हो चुके हैं हम भोलेनाथ की आशीर्वाद को पाने के लिए। उसकी आराधना में, भक्ति में लीन हो करके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। 1 अगस्त अगर आपका जन्मदिन है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की, मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से। लेकिन आपने एक छोटा सा उपाय तो ज़रूर करना है, इसके अलावा आपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद जिन भी लोगों के साथ होता है उन्हें जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। काफ़ी हद तक हम अपनी समस्याओं को यूं ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आशीर्वाद में साक्षात भगवान का रूप होता है और आशीर्वाद जिनके साथ होता है उन्हें जिंदगी में परेशानियां कम सताती हैं। तो इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद तो आपको ज़रूर लेना रहे, हमेशा लेते रहिए। लेकिन जब जन्मदिन की बात आती है तो कहते हैं ये बड़ा दैवीय दिन होता है। इस दिन ग्रहों का कुछ खेल ही ऐसा होता है जहां आपकी टर्निंग पॉइंट की तरफ लेकर के जाते हैं और ऐसे में आपने आशीर्वाद लेना नहीं भूलना है और साथ के साथ छोटा उपाय ज़रूर करना है। मात्र 2 दिन बचे हैं सावन का महीना पूर्ण होने के लिए, 1 तारीख का और दूसरा 2 तारीख का। यानी 2 तारीख की आपने उपाय करने हैं, बहुत सारी रेमेडीज करनी है, लेकिन साथ के साथ आपने अपने जीवन के सारे कष्टों को हर लेने वाली सारी समस्याओं के समाधान भी निकालने हैं। हम आज भी बताएंगे कौन से नाम का स्मरण करना है, लेकिन आप सबसे पहले जन्मदिन है जिनका वो उपाय जल्दी से नोट कर लें। आज के दिन आपने चावल और चांदी, थोड़ी सी चांदी का टुकड़ा हो सकता है या फिर आप बड़ी चीज़ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चावल और चांदी ये दोनों को इकट्ठा मिला करके किसी भी पूजा स्थान पर, यानी आपने धार्मिक स्थल पर जाकर के इसे डोनेट ज़रूर करना है। आशीर्वाद ज़रूर लीजिए और अपने दिन को बेहतर बनाइए, इनफैक्ट अपने पूरे साल को बेहतर बनाइए। 5 नाम भोलेनाथ के जो कि हम लेते चले आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी नज़दीक जाते जा रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के। पहला नाम है आज की वीडियो का मृड़ा, यानी सुख स्वरूप वाले। दूसरा नाम है पशुपति, यानी पशुओं के स्वामी। तीसरा नाम है देवा, यानी स्वयं प्रकाश रूप वाले। चौथा नाम है महादेव, महादेवा, देवों के देव। और 5वां नाम है अव्यय, यानी खर्च होने पर भी घटने वाले नहीं है वो, यानी इसकी एनर्जी ही अलग होती है। जब आप देवी नाम लेते हैं, अपने इर्द गिर्द ऑरा क्रिएट करते हैं तो उसकी अलग ही एनर्जी आपके पास होती है। इन नामों का आपने श्रवण तो कर लिया, सुन तो लिए, इनका स्मरण भी करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, श्रवण दोबारा करना चाहते हैं, सुनना दोबारा चाहते हैं, इनफैक्ट ज़रूर आप सुनिएगा, संध्या के समय भी इसे रिपीट ज़रूर कीजिएगा, यानी इसे वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार फिर से भोलेनाथ के ये 5 नाम फिर से सुन लीजिए। रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, मृड़ा, पशुपति, देवा, महादेवा, अव्यय, यानी ये 5 नाम ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वातावरण बना के रखेंगे। चलिए, ये तो हो गया 5 नाम भोलेनाथ के। एक छोटा सा उपाय भी होगा लास्ट में कि भोलेनाथ को आज के दिन आपने प्रसन्न कैसे करना है। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं ट्रांजिट, उसके बाद राशियों का हाल भी, लकी अक्षर भी है, लेकिन लकी कुंडली भी है किसी एक की। बहुत सारे लोग नाराज़ होते जा रहे हैं, हमारी कुंडली नहीं देख रहे, हमारी कुंडली देखिए। एक एक कुंडली रोज की आएगी, सब लोगों को ऑलमोस्ट ऑल मौका मिलेगा, बट आपको हर दिन वीडियो देख करके अपनी वीडियो का, अपनी खास करके राशि का इंतज़ार तो करना है, यानी आपकी राशि, आपकी कुंडली कौन सी है उसका इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं ट्रांजिट यानी गोचर की। सूर्य रहेंगे आज के दिन कर्क राशि में, 15 डिग्री के हैं। चंद्रमा रहेंगे 25 डिग्री के सिंह राशि में, लेकिन बुध के साथ रहेंगे। मंगल रहेंगे 24 डिग्री के मेष राशि में, लेकिन राहु के साथ है। बुध रहेंगे 1 डिग्री के सिंह राशि में, चंद्रमा के साथ है। गुरु रहेंगे 15 डिग्री के
रेट्रो है, स्व राशि में है। शुक्र रहेंगे 23 डिग्री के मिथुन राशि में है, शनि रहेंगे मकर राशि में, रेट्रो है 29 डिग्री के हैं, राहु रहेंगे मेष राशि में मंगल के साथ और केतु रहेंगे तुला राशि में। ये है आज का ट्रांजिट यानी गोचर। लकी अक्षर भी है, साथ के साथ लकी विजेता भी है जिसकी कुंडली देखी जाएगी और साथ के साथ उनका नाम फ्लैश किया जाएगा वीडियो के दौरान। इसके अलावा एक छोटा सा महादेव को प्रसन्न करने का उपाय भी है, बट पहले राशियों का हाल कैसी रहने वाली है आज के दिन आपकी राशियों का हाल। पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं यानी एरीज। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, घर का सपना आपका पूर्ण हो सकता है, बस धोखे से बचने की जरूरत है। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो धोखे से भी बचे रहेंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, धन अचानक कहीं खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं, हर काम को आप सोच समझ करके कीजिएगा। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव बन सकता है यानी पति पत्नी थोड़ा सा धैर्य रखें आज के दिन, वरना आज के दिन बड़ा विवाद अगर शुरू हुआ तो खत्म होने की संभावनाएं कम है, तो कोशिश कीजिए विवाद आज के दिन ना बढ़े। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, धन के लेन देन से बचें आप, माता पिता का खास करके आज के दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आज के दिन आपको जो बड़ी समस्या बीमारी की आपकी चली आ रही थी, कभी इन्फेक्शन कभी कुछ, उसमें आज के दिन आपको राहत मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, झगड़ा ना करें, झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है आज के दिन। दान अवश्य करें, किसी भी तरीके का दान आज के दिन आप ज़रूर करें। अगर कोई सहयोग मांगे तो सहयोग दे दें, वरना अपनी तरफ से कुछ जा करके डोनेट करके आ जाएं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद हो सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा चार, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, शो ऑफ जो आप करते हैं ना उससे आज के दिन आपको नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ आज के दिन बिल्कुल भी ना करने। संतान प्राप्ति के योग हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा छः, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि यानी वर्गों की बात करते हैं, अपना काम दूसरों के ऊपर मत डालिएगा, काम पूरा नहीं होगा। दूसरों की खुशी में थोड़ी सी अपनी खुशी जो है खुश रहने का प्रयास कीजिए। कई बार हम दूसरों की खुशी से जेलस फील करते हैं, लेकिन आज के दिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जेलसपन कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा आने वाले समय में। तो इसलिए दूसरों की खुशी में आज के दिन अपनी खुशी ढूंढनी है। हर काम को सोच समझ करके करें आज के दिन। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा आठ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कौन है लकी विजेता, चलिए देखते हैं उनकी कुंडली पर नजर डालते हैं। आज के दिन किसका नंबर आया है, कुंडली जिनकी आज के दिन देखी जाएगी। लेकिन आपने लकी अक्षर का प्लस महादेव को प्रसन्न करने का छोटा सा उपाय जरूर करना है। चलिए आज के दिन जिनकी डिटेल मेरे सामने आई है वो है समृता। समृता जी ने कोई डिटेल कुछ नहीं डाली है, सिर्फ अपना प्रश्न डाल दिया है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये समृता ने खुद डाला है या उनके बच्चे का क्या नाम है ये नहीं डाला। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर समृता ये आपने खुद डाली है कुंडली के अपनी पढ़ाई के लिए पूछ रहे हैं, या फिर ये बच्चे का ही नाम है समृता जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो फिर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। बट मैम फिर भी आपको एक हमेशा यही कहते हैं कि आप जब भी अपनी कुंडली डालते हैं, देखिए आपने मेहनत तो की डालने के लिए, प्रश्न डाला आपने, शायद हो सकता आपने ये चेक करने के लिए डाला, देखते हैं कि मैडम लेती हैं या नहीं कुंडली लेती हैं। बिल्कुल यहाँ पे कुंडली देखी जाती है, सिर्फ कहा नहीं जाता, स्पेशली आप लोगों की कुंडली बना करके हम दिखाते हैं। तो कहने का कंसर्न ये है कि आपको प्रॉपर डिटेल ज़रूर डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और प्रॉपरली अपना क्वेश्चन।
ये ज़रूर लिखिएगा ताकि सिस्टम से अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती है और आपको एकदम सही जवाब मिलता है। चलिए, समृता के नाम से अगर ये कुंडली है या फिर उन्होंने कहा है कि इसी बच्चे की ये कुंडली है तो उसके हिसाब से तो कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, लेकिन मैं ट्रांजिट से चलती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये समृता जो है ये अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं है। मैं गोचर के हिसाब से अगर आप ट्रांजिट के हिसाब से करती हैं तो पढ़ाई के भाव का स्वामी भी शनि बन रहा है और रेट्रो है, यानी उल्टी चार में, और दूसरा अपने से बारहवें में। तो कहीं ना कहीं ये जो बारहवां भाव होता है ये हमारा व्यय कराता है हर चीज़ का, ऑलमोस्ट ऑल। तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा इनका क्योंकि इनका मन बड़ा विचलित रहता है, किताबें देखते इधर उधर भागने लगता है। तो ऐसे बच्चे को हर शनिवार को इनके हाथ से कुछ ना कुछ काली चीज़ों का डोनेट कराना आप शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ जब भी ये बच्चा पढ़ने लगे इन्हें एक तिलक लगा दिया करें, चाहे वो हल्दी का हो सकता है या केसर का हो सकता है। हमेशा इनके पॉकेट के अंदर, राइट पॉकेट के अंदर जब भी ये पढ़ने बैठे तो एक छोटा सा कच्ची हल्दी का टुकड़ा, उसे एक अच्छे से रैप कर लीजिएगा किसी कपड़े में या कागज़ में ताकि दाग ना लगे आपके कपड़ों पर, तो वो हमेशा इनके पॉकेट में रखो। उसके बाद इसे निकाल करके इन्हीं के टेबल पर रख दिया करें। बहुत जल्दी जल्दी इनका मन भी लगने लगेगा, मन स्थिर होगा और एक अच्छे रिजल्ट भी इनके लिए आने लगेंगे। सो गॉड ब्लेस। हमेशा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट जब भी आप कुंडली डालें तो आप प्रॉपर डिटेल डालना शुरू कर दीजिए। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी तुला, यानी लिब्रा की बात करते हैं। झूठे इल्ज़ाम में फंस सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप आज के दिन बहुत अलर्ट रहें, कोई ऐसी चूक ना हो जिससे आप घेरे में आ सकें। अपनों का सहयोग लेकर के किसी फैसले की तरफ बढ़ें। दूसरों की गलती की सज़ा आज के दिन आपको मिल सकती है, तो इसलिए हमने कहा ना अटेंटिव रहना है आज के दिन। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। कर्ज आज के दिन किसी को भी ना दें, मेहनत में पूरी पूरी ईमानदारी रखें। हर काम आप बड़ों की सलाह लेकर के कीजिएगा। अगर वो काम ज़्यादा पैसे का है, ज़्यादा समय चलने वाला है, तो ऐसे में बड़ों की सहायता ज़रूर ले लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आपने आज के दिन ज़रूर करना है। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। माता पिता से झूठ ना बोलें, झूठ पकड़ा जाएगा। दूसरों की खुशियों से बिल्कुल ना जलें आज के दिन, अपनी खुशियां ढूंढने का प्रयास करें। बाहर की लड़ाई घर लेकर के ना आए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का प्रयोग आज के दिन आप कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। चिड़चिड़ापन आज के दिन थोड़ा सा आपको सता सकता है। धन का लेन देन चाहें तो आज के दिन आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, बट रिश्तों की वैल्यूज़ को ज़रा समझने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का प्रयोग आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। उच्च पद की प्राप्ति के पूरे पूरे योग हैं। बुरे ख्याल नेगेटिव थॉट आपको आज के दिन थोड़ा सा घेर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन दूसरों से, महत्वाकांक्षी जो हम बनते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ना बने, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से ना रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। अधिक गुस्सा आप ही का नुकसान कर सकता है, अपनों के सहयोग से काम करने का प्रयास करें। भागीदारी यानी किसी के साथ आज के दिन पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो लाभ का समय है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का प्रयोग आज के दिन कर सकते हैं। लकी अक्षर आज के दिन का जो लकी अक्षर है वो है ख, खरबूजे वाला ख। इसे सफ़ेद चंदन से आपने पेस्ट बना लेना है पूरी तरह पानी के साथ मिला करके, और इसे कागज़ पर अक्षर को लिख लेना है। लेकिन जब आप ये अक्षर लिखे हैं आपने सबसे पहले उसके इर्द गिर्द एक पूरा गोल बनाना है, गोला सा बना लेना है, और उस गोले को 4 हिस्सों में से क्रॉस काटना है, यानी कोई भी एनर्जी आपकी जो है वो ब्लॉक ना हो
और बीच में ये अक्षर पहले गोला बनाना है, चारों तरफ से काट लेना है, क्रॉस बना लेने हैं, चार क्रॉस यानी एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक इधर, तो बीच में सेंटर में आपने इस अक्षर को लिखना है। यकीन मानिए इस अक्षर को साथ लेकर के जाइए, सारा दिन कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं पकड़ेगी, आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आपको लाभ भी होगा। आज के दिन भोलेनाथ को आपने कैसे प्रसन्न करना है, भोलेनाथ को आपने इत्र आज के दिन ज़रूर अर्पित करना है, चाहे आप उसकी धार बना करके उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं या फिर आप एक उनके सामने समक्ष भी रख सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और कल फिर इसी समय राशिफल में आपने अपनी कुंडलियां ज़रूर डालनी है और सही प्रश्न भी डालने हैं। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ आप अपनी तरफ से रिमार्क्स यानी कमेंट्स ज़रूर डालें कि आपको ये सुबह का शो कैसा लगता है और आप और बदलाव क्या चाहते हैं इस शो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से दूर रहते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।